आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। मैं श्री मोहन लाल बोल रहा हूँ नरसिंह जी का मंदिर में जो है ना, तो 300 वर्ष पुरानी मंदिर है ये। 300 वर्ष पुराना मंदिर है, इसमें नरसिंह भगवान की सेवा करता था नर्मदा जी महाराज। तो फिर यहाँ से यात्रा चलेगी भगवान नर्मदा जी महाराज जना आके संगड़ी के मान 5-7 जना 10-20 जना और गांव का चलेगा कटे तीर्थ यात्रा। लोग बड़े गया जना कहीं लोग अपना तो गाँव के मान एक कांकरा ओला आता है ना, ये कांकरा पड़े लगे से फसल पचूड़ी है तो काई उपाय में महाराज तो बचे भाई में मारा खेत में पटी दूंगा। मेरा दादाजी महाराज बोल दिया खेत में पटी दूंगा बी का अंदाज से मने मंदिर का मान पूछा जी जो नाज ठीक महाराज तो कहते अब बेटे पेन वेन दूजी टाइम अच्छा होंगे जब कलम सीन लिखे था तो कहते आज की तारीख समत लिख लियो। अब आप तो तारीख वाली 40 में हम नीति समत लिखे था जी। अब लिखता लिखता फिर मान भाई अठे आया भाई एक महीना से ना कहते महाराज तो फिर चलेगा बाका खेत में तो सारा ही लगेगा। फिर वह साथ चाहिए जो कहते नहीं महाराज ने मैं किया भाई था मैं और नाज में जाला तो था का खेत में ही पटका जो तो अठे कितने गाँव के लोग यहाँ पे मेले में आते हैं? आस पास के सभी आते हैं। लगभग कितना गाँव कितने गाँव होते होंगे आस पास के? 10-15 गाँव के लोग। और जैसे शाम तक जो माहौल हम यहाँ देख रहे हैं अभी भीड़ भड़का कम है, लगभग कितनी जनसंख्या यहाँ पहुँच जाती है शाम तक? शाम तक तो कम से कम 50,000 तक हो जाएगी। 50,000 तक हो जाएगी शाम तक। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ मेले में आए आप? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ का और अभी तो समय धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो और लगभग 50-70 का दिन यहाँ आबादी जाएगी मेले में। ओके। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रहती है आस पास सभी समिति मिल करके मेले के समापन को अच्छा योगदान देती है। सर आपसे एक सवाल, आप आए हैं यहाँ के गांव के सरपंच साहब का नाम बताएंगे आप? ओके। उनका क्या सहयोग देता है अपने मेले के लिए? बहुत बढ़िया सहयोग देता है। ओके। तकरीबन 300 वर्ष से यहाँ पे जी सर उनके बाद से पता पड़ता है घूमने के लिए जी सर। थैंक यू। चमत्कार नमस्कार। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद।